देखा था, एसपी साहब भी बोल रहे थे कि हमारे पास उसको सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत है, फिर क्यों नहीं ये फैसला कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं सजा दे रहे हैं। इतना बड़ा केस हो गया, आरोपी था, नाबालिग था, और जज ने उसे 300 शब्दों का ऐसे लिखने की एक सजा सुनाई, क्या सही था ये? ये तो बोला जाए एक मजाक बना के रख दिया है, ऐसे इस टाइप का फैसला देने से तो कोई मतलब हर कोई जो बड़े बड़े लोगों की बिगड़े औलाद है ना, वो तो ऐसे फिर ऐसा फैसला करेंगे तो ऐसे उनको तो कोई खौफ ही नहीं रहेगा ना, वो तो बिल्कुल ऐसे ही एंजॉय करेंगे, खाओ पियो खूब पियो और गाड़ी में रोनते हुए चले जाओ, हर किसी को रोनते हुए चले जाएगा, वो बोलेगा क्या मिलेगा, ऐसे लिखो तुरंत अपने को बेल भी हो जाएगी। 48,000 रुपये की शराब पी थी आरोपी ने उस रात, क्या कहेंगे? तो ये तो माँ बाप की गलती है ना, माँ बाप सबसे पहले तो पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स को सजा मिलनी चाहिए और पेरेंट्स को की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को सही संस्कार दे, और जैसे हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा हर सुख सुविधा से संपन्न हो, सब कुछ उसे मिले, लेकिन इतना भी आँख बन के उस पर विश्वास ना करो कि वो गलत काम करने निकले।